अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज अमी और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग। तो भाई सीन ये कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ गए, उसके पीछे एक कहानी है, वो हम कहानी आपको बाद में बताएंगे। और यार लॉकडाउन चल रहा है, बाल बहुत बड़े हो गए हैं, तो बस लॉकडाउन ख़त्म हो तो बाल पहली फुर्सत में हम कटवाएंगे, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। और रमज़ान मुबारक आप सबको, पहला अशरा ख़त्म हो गया और आज 11वां रोज़ है, दूसरे अशरे का पहला रोज़ा, तो रमज़ान मुबारक। और बस दुआ करें ये कोरोना जो भी है जल्द से जल्द चला जाए इंशाल्लाह, आमीन। और अभी सहरी का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, तो सहरी में देखते हैं। सहरी हो चुकी है और फजर की नमाज पढ़ ली है और अभी फुल ब्लैकआउट हो रहा है बाहर, तो अभी हम सो रहे हैं और फिर कल मिलते हैं आपसे, क्योंकि रात में सोए नहीं थे हम, तो अब सोना ज़रूरी है, बिकॉज नींद इज़ इम्पॉर्टेंट बट लॉग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट कल मिलते हैं। तो जी अब मैं उठ चुका हूँ और अब हम वही बात कंटिन्यू करेंगे कि व्लॉग लेट क्यों आ रहा है, उसके पीछे कहानी है। तो वो कहानी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो कहानी ये है कि यार मैंने पता किया रमज़ान से एक दो हफ्ते पहले ये सोच ही लिया था कि मैं हर तीन दिन बाद व्लॉग डालूंगा, रमज़ान में कंसिस्टेंट रहूँगा। लेकिन फिर मैंने ना रमज़ान से 2 दिन पहले एक वीडियो शूट की टिकटॉक लाइफ पार्ट 3, और मैंने सोचा कि अभी एडिट करके इसको रख देता हूँ ड्राफ्ट में, जब मेरे पास कंटेंट नहीं होगा तब मैं उसे अपलोड कर दूँगा। तो जब मैं एडिटिंग के लिए बैठा चांदा पहले दिन रमज़ान से 1 दिन पहले, तो मोबाइल के पीछे का सरफेस जो होता है ना वो मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा फील हुआ, अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने बैक कवर खोला, सब कुछ कर देखा, तो बैटरी जो थी उसकी फूल गई थी वो, और सीन ये हुआ कि फिर मैंने उसके बाद बैटरी लगाई नहीं मोबाइल में, क्योंकि फिर मैं लगाता तो प्रेशर पड़ता स्क्रीन की तरफ, तो फिर मोबाइल में और ज़्यादा नुकसान हो जाता। और लॉकडाउन भी है इस वजह से कहीं पर बैटरी मिल भी नहीं रही, तो इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, ठीक है। तो अभी भी हम भाई के मोबाइल से बना रहे हैं वीडियो और इसको लैपटॉप में एडिट करेंगे। बड़े ट्यूटोरियल्स देखे हैं मैंने एडोबी प्रीमियर के, तो इस वजह से वीडियो लेगा, ठीक है। तो यार इफ्तारी का टाइम होने वाला है और इफ्तारी से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। यार वो जो रमज़ान में पिछले साल फीलिंग थी ना, वो इस साल नहीं आ रही, क्योंकि हम नमाज़ें भी घर में पढ़ लें। और एक बताता हूँ आपको चीज़, मतलब मैं मुनीब और हमारे 2-3 दोस्त और हम लोग, मतलब पिछले रमज़ानों में वैसे है ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाते थे, फिर वहीं पर कुरान पढ़ते थे, फिर उसके बाद है ना हम ज़ोहर से असर के दरमियान जो वक्फ़ा होता है ना उधर वहाँ पे सो जाते थे, और जो सुकून की नींद आती थी वो वाली फीलिंग नहीं आ रही। और फिर असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा कुरान पढ़ के फिर जब 10 से 15 मिनट होते थे तब हम घर पर आते थे, तो इस दफ़ा तो यार मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। और आई एम मिसिंग नाइट मैचेस, तो पिछले साल मेरी गली में ही छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते थे रातों में, हम लोग आगे जाते थे खेलने, अब वो नाइट मैचेस नहीं हो रहे। तो जल्द से जल्द ये कोरोना चले जाए तो फिर ये सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है। आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मैंने कोशिश की कि इसको अच्छा बनाऊं, ठीक है। अब एडिटिंग पे डिपेंड करता है, अब एडिटिंग मुझे इतनी आती नहीं है लैपटॉप पे, क्योंकि अब मैं लैपटॉप में करूँगा एडिट, एडोब प्रीमियर प्रो CC 2017 डाउनलोड किया है, ठीक है। तो बस कुछ ट्यूटोरियल्स मैंने देखे हैं एडोब प्रीमियर के, तो बस अभी स्टार्टअप करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ठीक है। और उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा व्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो भाई चेक करें, फुल सन्नाटा, फुल गली में, मतलब इतनी सी भी आवाज़ नहीं है, वरना है ना वहाँ पे कॉर्नर पे इमाम बार गए उस तरफ है ना क्रिकेट ओवर होता है, क्रिकेट मैच, नाइट मैच फुल।